बेटी बेटी जल्दी से आ जाओ, घबराइए अंदर हालत बहुत सीरियस है। सब ठीक हो जाएगा, जल्दी जल्दी करो। मैम 3 घंटे से पेन में है लेकिन कोई हरकत नहीं हो रही है। मरीज की हालत कैसी है? बहुत ही सीरियस है मैम, लगातार पेन कब से शुरू हुआ है? 3 घंटे से। बच्चे के दिल की धड़कन चेक की तुमने? हाँ किया है, नॉर्मल है। पेशेंट को लेबर वार्ड में शिफ्ट किया? हाँ किया, मीडियम है वो। कुछ हरकत है क्या? यस मैम। पेन बहुत ज्यादा हो रहा है क्या? जी। ओके ठीक है, देखते हैं। आप यहीं रुकिए माँ जी प्लीज। वो लड़का अकेला अपनी माँ के लिए रुका हुआ है, उसे क्या बोलूं समझ में नहीं आ रहा। अगर उसकी माँ को कुछ हो गया तो ये लड़का अनाथ हो जाएगा। हे भगवान, उस बच्चे की माँ को तुम्हें बचाना ही होगा, बचाना ही होगा भगवान। तुम्हारे रोने की वजह यही है ना? बोलो ना, इसके लिए रो रही थी ना? ये तेरा भाई है, क्या हुआ बेटी? माँ ये कुछ बात नहीं कर रहा माँ, माँ मुझे डर लग रहा है माँ, देखो ना, दिखाओ मुझे, देखो क्या हो गया इसे। घबराओ मत, डॉक्टर के पास चलते हैं, चलो। आपके बेटे को एक गंभीर बीमारी है जिसकी वजह से उसे ये तकलीफ हो रही है। मैं इसको आसान शब्दों में समझाता हूँ। देखिए, हर इंसान में खून की जो नलियां होती हैं कभी कभी सिकुड़ जाती हैं, जिसकी वजह से ऐसी कमजोरी आती है। ये कब ठीक होगा डॉक्टर? देखिए हम कुछ कह नहीं सकते, ये जड़ से खत्म होने वाली बीमारी नहीं है। इसका मतलब ये कभी ठीक नहीं होगा? क्या ये जिंदगी भर ऐसा ही रहेगा? जैसा कि मैंने आपको बताया, इसका परमानेंट इलाज नहीं है। हाँ, इसकी कुछ सपोर्टिंग मेडिसिंस जरूर है जिससे बच्चा जिंदा रहेगा, लेकिन इसकी देखभाल आपको अच्छी तरह करनी होगी। बड़े होने पर परिस्थितियां चाहे जो, लेकिन इस पर मानसिक दबाव ना आने पाए। कहने का मतलब ये है कि इस पर आपको फुल अटेंशन देना होगा। मानसिक दबाव बच्चे को मुश्किल में डाल सकता है। सत्या, 1 2 2, वेरी गुड। 2 2 4, 3 2 6, गुड। खाना खिलाओ माँ। तेरे भाई को दूध पिला रही हूँ ना, तू खुद ही खा ले। अगर तुम खाना खिलाओगी तभी मैं खाऊंगा। तेरे भाई को भूख लगी है बेटा, समझा करो मुन्ना। मैं भी तो भूखा हूँ ना माँ, मुझे खाना खिलाओ तुम। ऐसा है तो रुक जा, इसे दूध पिलाकर फिर आती हूँ। तुम मुझे खिलाओगी या नहीं माँ? बात को समझा करो, मैं इसे दूध पिला रही हूँ ना, कहाँ ना आती हूँ। तुम नहीं खिलाओगी, तुम नहीं खिलाओगी। मैं तुम्हें खिलाऊंगी, चलो मेरे साथ। मुझे कोई नहीं चाहिए। चलो बेटा मुन्ना, चलो, तुम्हारा भाई भीग जाएगा बेटा, चलो जल्दी। क्यों, मैं आता हूँ ना, तुम जाओ, मेरे बगैर जाओगी नहीं क्या? मुन्ना मैं तुम दोनों के लिए आई हूँ, चलो। बातें मत बनाओ, मुझे सब पता है तुम इसे लेने आई हो, इसे लेके जाओ। मुन्ना ऐसे बहस मत करो मेरे साथ, चलो यहाँ से, चलो। मुझे पता है तुम इसी को प्यार करती हो,
मुझे नहीं, तुम सिर्फ इसी को अपना बेटा समझती हो। ये कैसी बातें कर रहे हो बेटा, बारिश हो रही है, चलो पहले। मुझे नहीं जाना, तुम इसे लेके जाओ ना। चलो मुन्ना। मैंने कहा ना तुम जाओ। मुन्ना चलो। मुझे नहीं जाना, तुम जाओ। वो तुम्हारा बेटा है ना, लेके जाओ उसे। जाओ। स्टिचिंग अच्छे से करो, ठीक है? जीएमटी कंपनी का ऑर्डर रेडी हो गया? हाँ रेडी हो गया है। फातिमा वो सब पैक कर दो। लंच बॉक्स ले लिया? हाँ लिया माँ। ठीक से जाना। माँ भैया अभी तक नहीं आए? रुको, साइड करो। कहाँ जा रहा है? पास से आ रहा हूँ साहब। लाइसेंस दिखा। जी। अरे सर उसको घर के सामान है सर। अरे सर ये कभी नहीं कहीं भी नहीं। सर इसको कुछ नहीं है सर, क्या चेक कर रहे हो? बताओ सबको दिखाया आपको। बताओ क्या चेक कर रहे हैं ये लोग बिना मतलब में? हाँ इन्हीं की वजह से हम लोग रोज कॉलेज जाने में लेट हो जाते हैं। पुलिस वाले को गाली देता है? सर मैंने कुछ नहीं किया सर। प्रॉब्लम क्या है? ये हमारे बारे में गलत बात कर रहा था सर। गलत कहाँ बोला, सच ही तो बोला है। क्या हुआ? एक्सीडेंट है। कहाँ हुआ? मनोरी गांव का है। चेक करो जरा। हेलो हेलो यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है। हेलो नमस्कार साहब। सर बरेल में एक्सीडेंट हुआ है। गार्ड्स अंदर जाकर देखो। जी सर। गार्ड्स जी उस जीप का पीछा करो। यस सर। ए रुक एम्बुलेंस। ए रुक। ए सर 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 क्या हुआ? ये ना सर मेरे पहचान वाले हैं डीसी सर। अरे छोड़ो चल। नमस्ते सर। आने वाले कुछ दिनों में ग्राम पंचायत इलेक्शन है, पता है ना तुझे? हाँ पता है। तो उसका क्या? ऊपर से सिफारिश करवाकर इस इलेक्शन के लिए डीएसपी का ट्रांसफर करवाया है। चलो अच्छा है, पर हुआ क्या वो तो बताओ। तुम तो जानते हो इस साल जीतना बहुत मुश्किल है, अपोजिशन काफी स्ट्रांग है, लेकिन मुझे ये सीट किसी भी सूरत में जीतनी ही है। जीतोगे तो भाई आप ही। यहाँ के हम रूलिंग पार्टी हैं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे अपोजिट है और एसपी सौंदर्य पांडे का ट्रांसफर सेंट्रल गवर्नमेंट ने ही किया है और ये सब कुछ सेंट्रल मिनिस्टर के इन्फ्लुएंस से हुआ है।
और इलेक्शन के ठीक पहले उसने चार्ज लिया है। तो ठीक ही है, हम उस मिनिस्टर पर भरोसा नहीं कर सकते। इस एरिया में वही होगा जैसा पुलिस चाहती है, और पुलिस वाले हमेशा वही करेंगे जैसा मिनिस्टर चाहेगा। और रही बात सौंदर्य पांडे की, तो वो कोई मामूली ऑफिसर नहीं है। भाई बाहर पुलिस वाले आए हैं आपसे मिलने के लिए। मैं तो आपसे मिलने के लिए आने ही वाला था, लेकिन आप यहाँ गए, अच्छी बात है। तो हम अपनी बात शुरू करें। कोई आए या ना आए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे अच्छा लगा इसलिए आया। मेरे आने से पहले मेरे बारे में सारी बातें आपको पता चली चुकी होंगी। खाना रेडी है क्या? इस बार के इलेक्शन में यहाँ की सारी जिम्मेदारी मेरे हाथों में है, बिना मेरी जानकारी के यहाँ कुछ भी नहीं चलेगा। क्या सर, मेरे ही घर आकर ऐसी बात कर रहे हैं? क्योंकि इस बारे में जानकारी देने के लिए मुझे यहाँ आना जरूरी था। सुपर, खाना क्या टेस्टी बनाया। पुलिस की ड्यूटी ये नहीं कि गलत होने के बाद आए, बल्कि उन्हें गलती करने से पहले ही रोकना होता है, कुछ ऐसा ही सोचता हूँ मैं। इस दुनिया को सुधारना मेरा काम नहीं है, और ना ही मैं ऐसी कोशिश करता हूँ। जब तक मैं यहाँ इस एरिया के अंदर हूँ, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। भूल कर भी कोई गलती नहीं करने दूंगा, ये मेरी ड्यूटी है, समझ गए ना? सर फिनिश। चाय लीजिए सर। चंद्रा की भी एक खूबसूरत फैमिली है, लेकिन मेरी नहीं है। उम्मीद करता हूं ये हमारी आखिरी मुलाकात होगी, क्योंकि यही ठीक होगा हम दोनों के लिए। सर गाड़ी में पैकेज मिला है, ओपन करो इसे। ए चाबी दे। मास्टर की तो यही है। पहले इसे चेक करो। सर सर, इलेक्शन टाइम पर एक रुपया लेकर घूमना भी बहुत मुश्किल है। मैं तो सिगरेट के बिना रह नहीं सकता, इसलिए मैं पैसे अपने जूते में छुपा कर रखता हूँ। उसे भी आपने ढूंढ निकाला, ब्रिलियंट सर। सर नमक, गांव का नमक है। और सर चेकिंग हो गई ना, मैं निकल सकता हूं ना? ओके ओके ओके। भैया मरीज को करेक्ट टाइम पे एडमिट किया है, ऑपरेशन सक्सेस। ये ऐसे रो क्यों रहा है यार? वो उसी से पूछ, क्या हुआ? भाई आज पहली बार जिंदगी में एक लड़की पटी थी, ये कमीना जैसे ही उससे मिला तो इसने उसको पटा लिया। पूछो ना इससे। तो चल दारू वापस कर। अरे क्या कर रहा है? अब बता। अभी दोस्ती चलेगी। चुनरी में दाग मिटाऊं, जो मिला वो खा लेते हैं और हर जगह बम फोड़ते घूमते हैं। दिख नहीं रहा, टायर पंचर है। ए, क्या हुआ? सच में मुझे स्मेल आई थी। चल लीजिए। नहीं नहीं नहीं, इनकी है। क्या इज्जत है मेरी। अरे लगता है ये मुझे घटिया चाय पिला रहे हैं। बन्ना? अरे वो देख, ये तो मैकेनिक मनीष के जैसा लग रहा है, जरा ध्यान से देख तो। ए भैया को 3 महीने से ब्याज नहीं दिया, ये वही है ना? अरे हाँ भाई, बोला ना, काम हो जाएगा। कंफर्म वही है। ए
जाके पकड़ उसे। हाँ, हाँ, अभी पकड़ता हूँ। रुक रुक रुक, कहाँ जा रहा है? मुन्ना जल्दी आ। सॉरी, सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। मुन्ना, है मुन्ना। क्यों बे, उसको पकड़ा नहीं? अरे उस मोटे गैंडे को मैं तेरे भरोसे पकड़ने गया था, उसने मार मार के मेरा भूरता बना दिया। नहीं की हालत देख, खुश है ना? छू मत, छू मत, गंदा हो जाऊंगा। तेरी चल, नहीं शर्ट दिलाता हूँ। तेरी मेहरबानी नहीं चाहिए, बहुत अच्छा किया तूने। क्या ये भी? क्या हुआ, अभी तक बिरयानी भी वैसे ही पड़ी है, दारू की बोतल भी नहीं खुली, खाना नहीं है क्या? भाई चल दारू पीते हैं। ए, कितना पिएगा मोटे, फटेगा क्या? मेरे बाप ने क्या कहा है पता है क्या? क्या? जैसे रोज नहाना जरूरी है वैसे रोज पीना भी जरूरी है। तेरे बाप ने तुझे और कुछ नहीं समझाया था क्या मीना? ए, सुबह से कहाँ खोया है, कोई बात हो गई है क्या? इतने दिनों से कितनी लड़कियां देख चुका हूँ, उन्हें देखकर कुछ लगा नहीं यार, लेकिन जब से उस लड़की को देखा है ना तब से कुछ कुछ हो रहा है यार, कुछ पता नहीं बहुत याद आ रही है। तो अपनी राशि बता तू। क्यों? क्योंकि शनि तेरे सर पे है, संभल जा। ए, चुप बैठ। अगर तुझे प्यार हो गया ना तो फिर चार दिनों तक खाना पीना भूल ही जाएगा। क्या मतलब चार दिन बाथरूम जाने की जरूरत नहीं है? ए, मजाक के मूड में नहीं हूँ मैं। क्या कहा, मैं मजाक करता हूँ? थिएटर में कॉर्नर सीट पे बैठ के जो तू करता है ना उसे मजाक कहते हैं। फ्रॉड भाई, बिल्कुल फ्रॉड। सही कहा। एक लेग पीस 80 रुपए का है, मैंने 2 लेग पीस लिए, उसमें एक पीस बड़ा एक पीस छोटा निकला, मुझे धोखा दे दिया। फ्रॉड है, सब लोग फ्रॉड है। अबे गंडे, तुझे खाने के अलावा इस दुनिया में कुछ दिखता है या नहीं? जब देखो चिकन मटन बस मुंह में ठूसता ही रहता है, मुंह है या गटर। ए, क्यों डांट रहे हो उसे? उसे प्यार हो गया है, वो हेवन में है। हाँ? प्यार करने वाले ही प्यार को समझ सकते हैं, क्योंकि इसका नशा ही अलग है, जिसका एहसास छूने से होता है। क्या कहा, छूने से पता चलता है? एक बार उस लड़की को जाके छू, सिर पे जूता मारेगी, बाइक पे जो उसे बैठा के घुमाता है ना वो सभी छूट जाएगा। क्यों भाई? तू अपने गटर पे ध्यान दे, पहले प्यार शादी के बाद करते थे, आजकल प्यार पहले करते हैं शादी बाद में। भाई बॉडी बिल्डर का फैशन गया, आजकल तो पतले दुबले ही चलते हैं। चुप रहे, कहाँ जा रहा है? एक लड़की को पहली दफा देखते ही ऐसा लगा जैसे वो मेरे लिए ही जन्मी है, तभी मैंने सोचा कि उस लड़की के लिए अपनी जिंदगी न्योछावर कर दूंगा। हाँ? क्या कहा, उसके प्यार में तू जान देना चाहता है क्या? ये प्यार है, जो करता है वही जानता है, जो सिर्फ देखते हैं या सुनते हैं वो नहीं जानते। सत्या, दारू पियेंगे क्या? भैया बड़ी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? ए, चल, तुझे क्यों बताऊं मैं? ये क्या किया तूने? क्या क्या किया मैंने? कुत्ते को खाना क्यों दिया? अरे मुझ पे इल्जाम क्यों लगा रही हो? कुत्ते को खाना खिलाना कोई गलत बात है क्या? कुत्ते को खाना दिया वो ठीक है, पर अपने भाई का खाना उसे क्यों दे दिया तूने? क्यों, भूख सिर्फ तेरे बेटे को ही लगती है क्या? बिना मतलब क्यों बहस कर रहा है, उसकी कॉलेज का टाइम हो रहा है, फिर से खाना बनाना पड़ेगा मुझे। कोई बात नहीं माँ, मैं कैंटीन में खा लूंगा।
कैंटीन का खाना अच्छा नहीं होता बेटा। कमाल है, कितने लोग खाते हैं लेकिन ये भाई साहब नहीं खाएंगे। चलो छोड़ो, एक दिन नहीं खाएगा तो क्या होगा, भूखा तो नहीं मर जाएगा ना। हाँ बोलो भाई। क्या हाल है जया? जय वीरू। ओके जय वीरन। ओके ओके कूल। आज अपनी बिटिया का बर्थडे है, चलो मंदिर होकर। ऐसा क्या? हैप्पी बर्थडे। कैसे हो सत्या? जब हम मंदिर से आ जाएंगे तब मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगी, ठीक है? जरा इधर आइए ना, तुम चलो। जीजा ये लोग हमारे गांव के हैं, खून करना तो समझ लीजिए इनके बाएं हाथ का काम है। इन लोगों को इसीलिए बुला लिया, कुछ काम रहेगा तो अपने ही काम आएंगे ना। मैंने कोई ट्रेनिंग धर्मशाला नहीं खोली है, चलो जाओ। वो कौन है बे? तेरी जगह पे काम कर रहा, उनका खास है क्या? हे, वो यहाँ ऐसे ही पड़ा हुआ है, कोई काम धंधा है नहीं तो जीजा ने रख लिया है। कोई नौकर तो चाहिए था ना जीजा को, उसके तो बाप का भी कुछ अता पता नहीं है। जीजा के रहमो करम पे पल रहा है बेचारा। लेकिन इतना करीब कैसे? अरे एक बार उसने मेरे जीजा की जान बचाई थी, तब से जीजा उसे अपना चमचा बना के अपने साथ रखते हैं, और क्या। अरे उसके जैसे तो कितने पड़े रहते हैं जीजा जी के आसपास, कभी भी भगा देंगे। लेकिन उन्होंने अगर तुझे भगा दिया तो? ए वो शिकार है और उसका शिकार मैं ही करूंगा। क्या रे बहुत जल्दी आ गया तू? आज पहली बार ही लेट हुआ है ना भाई। ये अपना भाई है, बहुत प्यार करता है मुझे। अच्छा तू ये बता, हे तूने उस लड़की को मार दिया लेकिन कानो कान खबर नहीं हुई? मैं काम ही ऐसा करता हूँ भाई। भाई जुहू में एक हादसा हो गया भाई, एक आदमी को 17 लोगों ने मिलकर मारा भाई। एक आदमी को मारने के लिए 17-18 लोग, ये कोई बहादुरी का काम है? एक हिम्मत वाला आदमी अकेले कई लोगों को मार सकता है, ये 17-18 की बात कर रहा है। ऐसे लोगों ने एक आदमी को मारा, इसमें क्या बहादुरी है? हेलो हेलो, कौन है? तुम जाओ जाओ जाओ। हेलो, हाँ मनी, हाँ मनी बोलो, मैं सुन रहा हूँ। हाँ हाँ ठीक है। अरे अरे भाई क्या करो, अरे छोड़ो उसे। मैंने कुछ नहीं किया भाई, छोड़ो ना। पूजा कर, मार लोगे क्या? अरे और कितना मारोगे, इतना कोई मारता है क्या? सॉरी बोला ना इसने। क्या कहा? सॉरी बोले तो चलेगा, अभी तुझे मैं मारता हूँ और सॉरी बोलता हूँ। सॉरी सॉरी चलेगा, सॉरी चलेगा। छोटी छोटी बातों पर क्यों इतना दिमाग खराब करते हो? ये क्या पागलपन है मुन्ना, चलो आओ। क्या किया इसे तुम खोलोगी या मैं? उन पुजारियों को मारने की क्या जरूरत थी? मेरी बात सुनो, गरीबों को, गरीब और कमजोरों को जो पहले से ही दबे कुचले हैं। अच्छा ये बताओ, मारने में कोई मर्दानगी नहीं, बिना वजह क्यों लड़ते रहते हो? क्यों, वो क्या उखड़ लेगा? सामने से लड़ने वाले पर भरोसा किया जा सकता है, लेकिन जो पीठ में छुरा भोंकते हैं उन पर नहीं। किसी दिन फंसे ना तो हलाल कर देगा। अच्छा मैं तो डर गया। अभी डर नहीं लग रहा ना, पर तुम्हारी जिंदगी में जब कोई आ जाएगी तब तुम किस तरह की बातें करोगे ये हम भी देखेंगे। Thank you.
इन दोनों की जिम्मेदारी तुम्हें संभालनी है, मैं अभी आया। भाई भाई
जल्दी करो, सारे हथियार निकाल लो। कुछ भी बचना नहीं चाहिए। ये सब उसने ही किया है सर, लेकिन कोई मुंह नहीं खुलेगा। मंत्रा मंदिर में आया था ये तो कंफर्म है। हम वही साइट पर चलकर देख लेते हैं। वो हमें ढूंढते हुए आएगा। इसे क्या आपने अपने साथ नजर उतारने के लिए रखा हुआ है? और ये चंद्रा कौन है? काफी पुरानी बात है। मेरी उसकी दुश्मनी 10 साल पुरानी है। इतने सालों बाद वो अटैक करेगा, सोचा नहीं था। सोचना होगा जीजा, सोचना होगा। अब आपको मारने के लिए किसी और को भेजेगा वो। जिस दिन इस हाथ में हथियार उठाया था, सिर को उसी दिन गिरवी रख दिया था। लेकिन मुझ पर जिसने भी आंखें उठाई, वो जिंदा नहीं बचा। वो लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, बच्चे हैं वो, छोड़ दो सबको। अरे ऐसे कैसे छोड़ दूंगा उसे? जहाँ भी होगा ढूंढ के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा उसके। वो कहाँ है ये तो पता नहीं, तो उसे कैसे ढूंढ? अपनी बकवास बंद कर। जब जरूरत थी तो छुप के बैठा हुआ था, क्यों नहीं आया सामने लड़ने? मैं क्या करूं, भाई ने मुझे अंदर लॉक कर दिया। चुप कर। जया, छोड़ दे उसे, उसे कुछ पता नहीं है। पता नहीं? हेलो, पता नहीं है? ये कोई छोटा बच्चा है क्या, जिसे अच्छा? सिर्फ दूध पीना आता है। अगर ये अपना होता तो ये चुप बैठता क्या? और इसे क्या फर्क पड़ता है, कल मेरी बहन विधवा हो जाएगी तो? भाई वो डीसी आपको हर जगह ढूंढ रहा है। सर मंदिर में जो कत्ल हुए हैं वो सिर्फ 2 लोग ही कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहला शक मेरे हिसाब से मंत्रा के आदमियों पर ही जा रहा है सर। सर मंदिर में जितने भी खून हुए थे वो सब मैंने ही किए हैं। सर वो खून मैंने किए हैं। ये आवाज कैसी है? वहाँ क्या प्रॉब्लम है? बस में चेन चोरी करने वाले को पब्लिक पकड़ के मार रही है सर। उन्हें अंदर बुलाओ। चोरी करेगा? उन्हें अंदर भेजो। इसे जो लाया था हाथ तोड़ कर लाया था, ऐसा FIR लिखो। सच सच बता, बता बोल। अबे खून करके कोर्ट जाना था, यहाँ पर क्यों आए हो तुम लोग? मुझे बेवकूफ बनाते हो? तुम लोग किसे बचाना चाहते हो अच्छी तरह से जानता हूँ मैं। जिसने तुम लोगों को भेजा है उसे लेने में जरूर आऊंगा, याद रखना। चल जो कुछ मंदिर में किया वो मैंने किया सर, वो खून मैंने किया है सर। ठीक है तो अरेस्ट कीजिए सर। अरेस्ट नहीं करूंगा, जाओ तुम। लेकिन मैं भी तो वांटेड हूं ना सर, तो अरेस्ट कीजिए। तुम मेरे लिए वांटेड हो, इस केस के लिए नहीं। जाओ यहां से।
मैंने वो खून किया कह रहा हूँ ना, तो अरेस्ट कीजिए ना मुझे। तो ठीक है, मैं तुम्हें अरेस्ट करता हूँ। आप खुश सर? तूने मारा है ना उन लोगों को, ये ले पकड़। क्यों रे, हथियार पकड़ते ही हाथ कांपने लगा? चला हथियार। अगर तूने मारा होगा तो पता चल जाएगा कि तू कातिल है या नहीं। तेरे मारने से अगर मुझे खरोच आई तो मैं समझ जाऊंगा तू ही कातिल है, अरेस्ट कर लूंगा तुझे। देख क्या रहा है, हथियार चला। रास्ते में कॉलर टाइट करके घूमना और हथियार पकड़ने में बहुत फर्क होता है बेटा। 15 साल यूपी बिहार जैसी जगहों पे पुलिस की ड्यूटी करके आया हूं यहां पर मैं। वहां पर बड़े बड़े गुंडे बदमाशों मवालियों को धूल चटाई है मैंने। तू क्या चीज है उनके सामने? किस हथियार को कैसे पकड़ना है, कैसे चलाना है, कहां मारना है, सब कुछ जानता हूं मैं। तेरे हथियार पकड़ने से मैं समझ गया कि तू अनाड़ी है। मैं तो अनाड़ी नहीं हूं ना साहब। सर, उस मंदिर में जिसने खून किया था वो दिल्ली कोर्ट में हाजिर हो गया है। इस केस को सीआईडी को सौंप दिया गया है। आपने जो सबूत इकट्ठे किए हैं वो वहां भेज दीजिए। वो सारे खून मैंने किए हैं, लेकिन आप कुछ नहीं कर पाओगे। तुम बहुत गलत कर रहे हो मंत्रा। बंदूक से निकली हुई गोली नहीं जानती कि वो किसी का जान लेने वाली है या किसी को बख्शने वाली। जो भी बीच में आएगा बचेगा नहीं, मारा जाएगा। इसमें गोली की गलती नहीं है, चलाने वाले की है। आप बीच में मत आइए सर। बंदूक को एक ना एक दिन जंग लग ही जाती है। पर गोली अपना काम करके ही रहेगी। तुम यहाँ किस लिए आए? चलो आओ। नाम की गोली मेरे पास है। ए, रेडी है क्या? चल चलते हैं। अबे अभी भी रेडी नहीं हुआ क्या तू? चला जा। अरे अरे चल, मैं भी बाथरूम भी नहीं गया यार। क्या यार, तुझे पता है ना बिना चाय पिए मुझे प्रेशर नहीं आता। ऑर्डर दिया है लेके आता ही होगा। अच्छा एक दिन नहीं पिएगा तो कुछ नहीं होगा। चला जा। वो तक मेरी चाय आ गई। अरे रुक ना, मैं भी चल रहा हूं अंदर लेके जा रहा। अरे तू भी ना अंदर जाके तू बाहर आएगा ना। क्या हुआ, ये अब तक आया क्यों नहीं? अरे मेरा भाई भी तो उसी कॉलेज में पढ़ता है। सुपर, काम हो गया। क्यों रे चूजे, सुबह से एक्सरसाइज कर रहा है? कहाँ गिरेगी बिजली? मेरी इतनी भी इज्जत मत कर मोटे। मुन्ना तुझसे कुछ कहना था। देविका से अच्छी तो उसकी फ्रेंड है। उसके बारे में कुछ मत बोलो। क्यों? क्योंकि वो मेरी जान है। तेरी जान? कौन है? सरन्या। कौन, वो नाटी वाली? फिर वो रम्या? बिल्कुल। क्या कहा? ए, किसी भी लड़के को अपनी जिंदगी में 100 लड़कियों पर प्यार आ सकता है। वो सब शायद सच भी हो सकते हैं। कोई लड़की आके कहती है आई लव यू तो क्या करेंगे? तुम्हारे पास आके कहा है क्या? हाँ कहा है, मेरे पास आकर कहा है। मिक्सचर बहुत अच्छा है कहा है, लेकिन कड़वा लग रहा है भाई। ये सुन रहे, हम लोग आपस में बात कर लेंगे, तू खाने पे ध्यान दे। ओके। तू उसे कब इजहार करने वाला है? ए, मैं कैसे कह सकता हूँ यार। अरे वो जैन कॉलेज में पढ़ती है ना, तो वहीं जाके आई लव यू बोल डाल। अब तू एक काम कर, अपने भाई को कॉलेज ड्रॉप करने के बहाने जा और उसे आई लव यू बोल डाल।
ये मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम मुझे कॉलेज ड्रॉप करने आओगे। मुझे एकदम से सपना जैसा लग रहा है। मैं बहुत खुश हूँ भाई आज। हाय अरविंद। हाय। तुमने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया ना? मैंने कर लिया। चलो तुम्हें क्लास में दिखाता हूँ। ठीक है। ये कौन है? मेरे भैया हैं। हाय, मेरा नाम देविका है। हाय, मेरा नाम मुन्ना है। आप क्या करते हो? वो मैं फाइनेंस। देविका, जो बुक तुमने पूछी थी वो लाइब्रेरी में है, जाके कलेक्ट कर लो। ओके सर। ओके, बाय, सी यू लेटर। कॉलेज छोड़ने आओगे ना? चल निकल। क्या हुआ रे, तू तो बड़ा मटक मटक के चल रहा है। कल दावत की बिरयानी बहुत अच्छी थी तो दबाकर खा लिया, इसीलिए इस तरह चल रहा हूँ। ज्यादा खाएगा तो तेरा यही हाल होगा। गरम हवा मार दी तो। अरे भाई, सक्सेस। हाँ यार, आज सुबह मैंने उस लड़की से बात की। क्या बात है, नंबर लिया क्या? अरे पहली बार तो मिला उससे, तुरंत उससे नंबर लेना। बस यार, तू सुबह मीटिंग, शाम को डेटिंग, चल जा। यार ये बेवकूफ लोग प्यार में क्यों पड़ जाते हैं? ठीक है। हेलो हेलो, मुन्ना बोल रहे हो? कौन बोल रहा है? मैं देविका बोल रही हूँ। हेलो, मैं देविका बोल रही हूँ। क्या कहा? देविका? कौन देविका? क्या यार, तुम्हारे छोटे भाई की क्लासमेट, सुबह जो कॉलेज में बात कर रही थी ना, वही। ओ ओके, कहो ना। अगले संडे को तुम फ्री हो क्या? कमिंग संडे एक मीटिंग है मेरी। ओ, मीटिंग है, ठीक है, बाय। हेलो हेलो हेलो, वेट, इस संडे को मैं फ्री हूँ। ऑन 25th ऑफ संडे मेरी मीटिंग है। हेलो, 25th को संडे नहीं है, वेडनेसडे है। ओके, कमिंग संडे मैं फ्री हूँ। तो फिर संडे को मिलते हैं। ओके, मिलते हैं। संडे को अंधेरी के पास जो टी शॉप है वहीं मिलते हैं, तुम अपने फ्रेंड्स को भी लेते आना, ठीक है? फ्रेंड्स को? सत्या, जल्दी चलो ना। आवा, वेलकम टू यू ऑल, हार्टली इनवाइट फ्रॉम KPS एस्टेट एंड KPS बिल्डर्स। आपके लिए KPS बिल्डर्स ने एक योजना बनाई है। उस योजना के तहत आप सब कम लागत में अपने लिए घर खरीद सकते हैं। ये कौन सा कॉफी शॉप है? आप सबों को गर्व होगा कि एक छोटी सी लागत में अपने घर के मालिक बनेंगे। वैसे आप में से कितनों के पास घर नहीं है, हाथ उठाइए। ओ माई गॉड, इतने लोग हैं। किराए के घर में क्या तकलीफ होती है हम सबको पता है। घर की दीवार में कील नहीं ठोक सकते, बड़ा सामान घर में नहीं ला सकते, घर को अपनी मर्जी से सजा नहीं सकते, ऐसे रहने का क्या फायदा? अगर आपका अपना खुद का घर होगा तो आप कुछ भी कर सकते हैं ना। क्या बात है, बहुत बढ़िया। Only you have to do is 150,000 rupees with KPS group. ये योजना सिर्फ तुम लोगों के लिए ही की हुई है। तुम सभी के सभी अपने अपने घर के ओनर हो सकते हो, मालिक हो सकते हो। अंधेरी से सिर्फ 13 किलोमीटर, सिर्फ 13 किलोमीटर दूर। अरे हम अंधेरी से 3 किलोमीटर दूर रहते हैं, हमें क्या पागल कुत्ते ने काटा है जो 13 किलोमीटर दूर जाएंगे? जिन जिन लोगों को अपना ड्रीम होम चाहिए वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव को अपना डॉक्यूमेंट्स दे दें, हम उस पे कार्रवाई करेंगे। ज्वाइन विद अस और एंजॉय योर ड्रीम होम। आपका नाम? श्रीकांत मुनि। क्या? श्रीकांत मुनि। श्री मुनि। ए, इज्जत से बोलना, थोड़ा प्यार से। हाँ ठीक है। वैसे यहाँ कब से काम कर रही हो? मैं यहाँ काम नहीं करती, फ्रेंड के साथ आई हूँ। मैं आपका दीवाना हो गया हूँ। आपका नाम? सुरेश कुमार। 4 लोगों को ज्वाइन किया है, ट्रीट नहीं है क्या? ट्रीट? चलो मेरी तरफ से। भी ठीक है। ओके। मुझे यकीन नहीं था आप आएंगी।
तू बकरा बना है तो ही हलाल होगा ना। ए, चुप बैठना। तेरा पेट खराब है ना, चिकन क्यों खा रहा है? ऐसा कुछ नहीं है भाई, कल रात को हमने जमकर दारू पी थी ना। तुम तो दो पैग में ही टल्ली हो गए थे, बाकी बची हुई मुझे पीनी पड़ी ना। पूरी दारू खत्म करने के बाद मैं बाहर टहलने के लिए निकला और जब मैंने सुसु की तब पता चला कि हिट निकल गई। अच्छा अभी मैं बात कर रहा था तो तुमने चूटी क्यों काटी? ऐसे खुले दिल से बात करने वाला इंसान मैंने पहले कभी नहीं देखा। यू आर सो क्यूट, क्यूट क्यूटी, लव यू मोटू। कैसे प्रपोज करूं समझ नहीं आ रहा है। शायरी प्रपोज करने से पहले शायरी लिख के दे देता हूं। हेलो, हाँ बोलो ना। नहीं नहीं वो तो मैं आ जाऊंगा। रेनुका हाय। One second. तुम लोग जाओ, मैं आती हूँ। Okay. क्या हुआ सत्या? क्या है ये? शायरी? तुम शायरी भी लिखते हो? Nice. बहुत अच्छी है। Superb. कौन है तू? बार बार कॉलेज में आके लड़कियों को फिल्म दिखा रहा है? ए, हाथ हटा चल। मैं जो बोल रहा हूँ तू सुन रहा है ना? ए, हाथ हटा। मंत्रा का चेला है तो डरा रहा है हमें? तेरे पास एक मंत्रा है लेकिन मेरे पास 100 लोग हैं। आमने सामने टक्कर करेगा क्या? अकेला आया है या सबको लाया है? Huh!
को बोला था ये कोई फिल्म चल रही है क्या? रुक, क्यों आया है यहाँ? किस लिए आया है? मेरे बेटे के साथ क्या किया तूने? मैंने क्या किया है? कह रहा है क्या किया मैंने? ये मार खा के आया है, इसीलिए लेकर गया था इसे अपने साथ। जब तू इसे ले गया था तभी मुझे पता चल गया था कुछ होने वाला है। कितनी चोट लगी है इसे देख। सिर्फ उसे ही चोट नहीं लगी है, मुझे भी लगी है समझी। मुझे भी बहुत दर्द हो रहा है, मेरा भी बहुत खून बह गया, लेकिन मेरे बारे में तो पूछा नहीं। वो सब तेरी अकड़ की वजह से हुआ है, पर मेरे बेटे ने क्या किया? इसे किसने बोला था आने को? हाँ तू तो यही कहेगा ना, तेरे लिए प्यार रिश्ते कोई मायने नहीं रखते है ना। हाँ, आज तक तूने कभी इसे अपना भाई समझा ही नहीं, कभी भाई का प्यार नहीं दिया। तू कभी नहीं बदल सकता, आज के बाद मेरा एक ही बेटा है और तुझे जहाँ भी जाना है तू जा सकता है, पर मुझे अपना चेहरा मत दिखाना। चला जा यहाँ से। माँ, चल बेटा। क्या हुआ, इतना गुमसुम क्यों है? वो सब छोड़, चल कुछ खा ले। देख तेरे लिए बिरयानी लेके आया हूँ, अगर हाथ लगाया तो तोड़ दूंगा। नायडू की बिरयानी है ना, पीस हमेशा कम डालता है, वही मैं चेक करने की सोच रहा था। ये इसके लिए है, चल खा ले। मैंने क्या किया यार, वो बीच में आया तो माँ ने मुझे ही। टेंशन क्यों ले रहा है, बार बार एक ही बात सोचे जा रहा है। पहले बिरयानी खा, और देख खाने में ज्यादा देर लगाई ना तो इस मोटे को देख ले, तेरी बिरयानी सारा ये खा जाएगा। सुन भाई, तू देविका के पास जा और अपने प्यार का इजहार कर। प्यार की शुरुआत होगी ना तो जिंदगी खूबसूरत हो जाएगी। क्या सोच रहा है यार, देविका से प्यार का इजहार करने को डर लग रहा है, कैसे बताऊं उसे? तू इतना डर क्यों रहा है यार? बचपन में मुझे अपने पापा से बहुत लगाव था, जब मैं 6 साल का था उसी वक्त वो बेचारे गुजर गए। मेरी माँ ने भाई के पैदा होते ही अपना प्यार उस पे न्योछावर कर दिया और मैं प्यार के लिए तड़पता रहा, लेकिन मुझे कभी प्यार नहीं मिला। मैं उनसे दूर रहा, उसके बाद भी मुझे कभी अफेक्शन नहीं मिला, पर पहली बार जब मैंने देविका को देखा तो मुझे बहुत अजीब फील हुआ। इसका क्या रीजन था मैं नहीं जानता, लेकिन मैं उससे बहुत प्यार करने लगा हूँ यार। अगर वो नहीं मिली तो मैं जी नहीं पाऊंगा, और अगर वो मेरी जिंदगी में नहीं आ सकी ना तो आने वाले किसी भी पल मेरी मौत हो सकती है, ये याद रख लेना। भाई कल उसके फ्रेंड के पास जाएंगे और सब कुछ पता लगा लेंगे। पहले उसके फ्रेंड को कैसे पूछे? कविता अपनी है यार। अपनी है? मुंह जिसके पास होगा हलवा वही खाएगा ना। चिकन भी तो खा सकते है ना भाई। चल रख उसे। ये तुम क्या कह रहे हो, देविका तो अरविंद से प्यार करती है, अरविंद भी उसे प्यार करता है, वो दोनों साथ में कैंटीन गए हैं कॉफी पीने के लिए। तुमने उसके सामने झूठ क्यों कहा? हाँ मैंने कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं उसे सब कुछ सच सच बता दूं? सुनो ना अरविंद, तुम मेरी हेल्प करो ना, मैं ना लिख लिख के बहुत बोर हो गई हूँ, तुम लिख दो ना प्लीज, मेरे लिए लिख दो ना। ओके, कल लिख के दे दूंगा। क्यों अभी क्यों नहीं? आज शंकर एकेडमी के लिए मुझे एक शायरी लिखनी है, उसी में टाइम लग जाएगा, कल लिख के दे दूंगा। हे
शायरी से एक बात याद आई, बताती हूँ। वो तेरे भैया है ना, दिमाग से पैदल है। तेरी शायरी को खुद लिखा हो कह के स्टाइल मार रहे थे। शायरी वो क्या लिखेंगे यार, शायरी का पहला शब्द क्या होता है ये भी नहीं पता होगा उन्हें। बड़े यार शायरी लिखने वाले। और मुझे देखो, मैंने भी तारीफ कर दी। तुम्हारी वजह से मैंने तारीफ की। कितने घटिया सोच के लोग होते हैं यार। अब तुम्हें बता, उस वक्त मैं क्या करती। तेरे भैया बिल्कुल जोकर लग रहे थे। तुम्हें पता है, वो तुम्हारी शायरी चुरा के मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे थे। मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। शाम को नाना नानी पार्क में मिलते हैं। हाँ ठीक है। मुन्ना, मुन्ना रुको। कहाँ जा रहा है? अरे मुन्ना हट दो। मुन्ना रुको। मुन्ना रुक जा। अरे मुन्ना रुक जा। अरे लेकिन यार हमारी बात तो सुन। हम ना मुन्ना, मुन्ना बात समझने की कोशिश कर यार। मुन्ना, अरे तू हमारा दोस्त है यार, मानता क्यों नहीं? जल्दी मुन्ना, मुन्ना बोलो। अरविंद, यहाँ अकेले में क्यों बुलाया मुझे? इधर आ, इधर आ। इस तरीके से गुस्सा करना ठीक नहीं है यार। पहले असलियत तो जान ले, क्या करने जा रहा है तू? मेरे भैया तुमसे प्यार करते हैं। ओके, तो मैं क्या करूँ? तुम्हें उनके प्यार को अपनाना होगा। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम इसे प्यार नहीं कह सकते अरविंद। तुम्हारे भैया को सिर्फ अट्रैक्शन हुआ है, और तुम चाहते हो मैं तुम्हारे भैया से प्यार करने लगूं? ये मेरी लाइफ है, मैं इसे किसी से भी प्यार नहीं कर सकती, और वो भी तुम्हारे भैया से। चांस ही नहीं है अरविंद। देखो देविका, मैं उनके प्यार के लिए तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। प्लीज देविका, मान जाओ ना। ये क्या कर रहे हो तुम, पागल हो गए हो क्या? नहीं देविका, बचपन से ही मेरे भैया को मेरी वजह से बहुत सारी तकलीफें झेलनी पड़ी। मैं बचपन से ही उनका प्यार पाने के लिए तड़पता रहा। मेरी वजह से मेरी माँ ने भी उन्हें बहुत भला बुरा बोला है, और वो सोचते हैं कि मेरी माँ मुझे ज्यादा प्यार करती है। सबकी माँ अपने बच्चों से एक जैसा ही प्यार करती है, उसमें ऊंच नीच क्या है? क्या हुआ अरविंद? दरअसल मैं जिंदगी के आखिरी दिन गिन रहा हूँ। बचपन से ही मेरा दिल कमजोर है। ये क्या कह रहे हो? मेरी इस बीमारी का डॉक्टर के पास कोई इलाज नहीं है। मुझे मेरी बीमारी का अभी कुछ दिन पहले ही पता चला, और मेरी माँ मुझे ये सब बताना ही नहीं चाहती थी, और इसीलिए वो मुझे बहुत प्यार करती थी। मेरी वजह से मेरी माँ का प्यार भी उन्हें नहीं मिला। अगर मैं तुम दोनों को मिला देता हूँ तो मैं उनके लिए कुछ तो कर सकूँगा, फिर उसके बाद मैं बहुत ही सुकून से मर सकूंगा। प्लीज देविका, प्लीज। तुमने मुझे ये सब बता के इमोशनल कर दिया यार, बट मेरे लिए लव इज लाइफ है यार। मुझे सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए। पागल हो गया क्या तू? तुझे समझ में नहीं आती, ऐसा होता है यार। पापी हूँ मैं, पापी हूँ। बेचारे मेरे भाई को मैं, अपने भाई को मैं मारने चला था। माँ, हाँ।
मुन्ना उठ उठ बेटा उठ मुन्ना क्या उठ कर दे माँ उठ जा क्या कर रहा है उठ जा बेटा बेटा क्या कर रहा है तू ये माँ मुझे माफ कर दो माँ बेटा जैसे तूने माँ कहा मैं सब कुछ भूल गई बेटा मैंने तुझे माफ कर दिया बेटा भैया हाँ भाई मुन्ना इसी वक्त मेरे पास आ जाओ ठीक है आता हूँ अब क्या हुआ देख मुन्ना अपने भाई और अपनी माँ को समझाना इतना नहीं कर सकता जैसे सब कुछ पहले था वैसे ही तो है तू खून खराबा क्यों करता है ऐसा कुछ नहीं भाई जैसे ही आपका फोन आया तो माँ का चेहरा पूरा मुरझा गया था भाई बहुत तकलीफ दे चुका हूँ मैं उन्हें लेकिन अब उनको मैं और तकलीफ नहीं देना चाहता भाई मेरे हालात आप समझने की कोशिश करो ना मैं चलता हूं मुन्ना एक मिनट बाहर तुमने देखा है ना अपने लड़कों को जहां रखते हैं वहीं ले जाकर छोड़ दो ठीक है भाई मैं चलूं भाभी अपना ख्याल रखना सत्या भाई ये आखिरी काम होगा अगर ये आपका अपना भाई होता तो ऐसे बोलता क्या आज वो अपनी माँ के लिए आपको अंगूठा दिखा के चला गया कल वो अपनी माँ की बात मान के आपको पकड़वाने की कोशिश भी कर सकता है उसे ऐसे ही मत छोड़ दीजिए जीजा वरना बाद में परेशानी होगी राउंड के आज के फर्स्ट प्राइज विनर हैं मणिवर्धन फ्रॉम लोटस इंजीनियरिंग कॉलेज और अब पोइट्री राइटिंग फर्स्ट प्राइज गोज टू अरविंद ऑफ जेम्स कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अरविंद 3 साल से तुम ये प्राइज जीतते आ रहे हो आज तुम्हें हम सबको एक कविता सुनाना होगा पर ऐसी कविता जो पहले ना लिखी हो कुछ ऐसा जिसका ख्याल तुम्हारे दिल में अभी अभी आया हो ऐसा कुछ सुनाओ खुशी में शामिल होकर माँ अपने गम बुला देती है माँ जब भी कभी जिंदगी में हमें ठोकर लगे तो फिर याद आती है माँ दुनिया की तपिश से शीतल छाया देती है माँ खुद चाहे कितनी भी थकी हो वो हमें देख के अपनी थकान भूल जाती है माँ अपने प्यार भरे हाथों से हमारी थकान मिटाती है माँ बात हो लजीज खाने की तो याद आती है माँ मैंने अपने पिताजी को कभी नहीं देखा ना ही उनका प्यार मुझे मिला मेरे भाई से मुझे मेरे पिताजी का प्यार मिला मैं अपने भाई से बहुत प्यार करता हूँ और वो भी मुझे बहुत प्यार करते हैं भाई मैं आज जो कुछ भी हूँ वो सिर्फ आपकी वजह से हूँ क्योंकि आपने अपने हिस्से के माँ का प्यार मुझे दे दिया भाई मेरी वजह से आपको बहुत परेशानी हुई हो सके तो मुझे माफ कर देना जान से भी बढ़कर है तू मेरे लिए भाई तू जिंदगी मैं अपनी तुझ पे वार दूँ मैं भाई मेरे जान से भी बढ़कर है तू
मेरे लिए भाई तूरे, जिंदगी मैं अपनी तुझ पे वार दूं मैं भाई मेरे, गंगा के जैसे तू पावन करूं तुझ पे गुमान, जिंदगी में मेरे तू बन के रहता है जान, तुझको कितने सारे सुन, तेरा भाई क्यों नहीं आया? उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं लेकर आया हूँ। कामिनी, ये आओ। ये लो एकदम बढ़िया पकाना। हाँ तुम, किसका घर है पता है ना? ए, कुछ पूछ रहा हूं मैं, मुझसे ही चालाकी। ए, छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को। ए, आओ आओ। क्या हुआ जी? जी कामिनी, कामिनी तुम, छोड़ूंगा नहीं। किसी को नहीं छोड़ूंगा। ये तो टाइम क्यों लगा रहा है? काट दे चकला।
राउडी की मौत। आज चनबट्टा एलियास शनमुखनाथन की लाश आज अजीबोगरीब हालत में पाई गई। साथ ही साथ उनकी बीवी को भी बड़ी बेरहमी से मार दिया गया। शनमुखनाथन चेन्नई में रेप और मर्डर जैसे गैर कानूनी काम कर रहा था। ये पिछले 10 सालों से अंडरग्राउंड था और आज सुबह चेन्नई में मरा हुआ पाया गया। इस मामले में FIR दर्ज कर दी गई है और पुलिस आगे की कार्यवाही कर रही है। इस केस के सिलसिले में संदिग्ध लोगों से किसका काम हो सकता है? पुलिस कई दिनों से इस गुनहगार की सब किया धरा आपका है और आपको ही पता नहीं। उन्हें मदुरई से कुछ लीड मिली थी और उन्होंने पूरी छानबीन की। मतलब आपके लड़के ने किया? मतलब आपने किया? हे इधर आ। इनका काम है ये? क्या बात कर रहे हैं? बड़ी मछली किस जाल में है ये पता है उन्हें। उनके जाल से कोई बच नहीं सकता। ऐसे कैसे छोड़ दूं उसे? मेरी बहन का सवाल है। हमारे गांव में जब कोई नया तैराक बनता है ना, तो उसके कमर में रस्सी बांध के उसे नदी में छोड़ देते हैं, और जब वो डूबने लगता है तो उसकी रस्सी पकड़ के उसे जोर लगा के बाहर खींच लेते हैं। इससे उसकी जान बच जाती है। लेकिन ये जिम्मेदारी किसी जिम्मेदार आदमी को ही देनी पड़ती है, नहीं तो उसे मरने से नहीं बचाया जा सकता। इसलिए पैसों के मामले में कभी भी अपनों पे भरोसा करना चाहिए। इसलिए जरूरी है जीजा कि पैसों की बागडोर आप अपने हाथ में रखो, क्योंकि आपसे बढ़ के उसकी हिफाजत कोई और नहीं कर सकता। आज मेरा छोटा भाई सरेंडर हुआ है, और जिसने आपको मारने का प्लान बनाया था ना, उसे मैंने मार डाला। ठीक है, मुझे भरोसा हो चुका है। अभी भी बोल रहा हूँ जीजा, उस मुन्ना को इतनी आसानी से जाने मत दीजिए। कोई बात नहीं, इन लड़कों को अपने साथ रख सकते हो, आज से इनका ख्याल रखना। ए, चल। ठीक है भाई। जिंदगी में बहुत लोगों को दुख दिया है, लेकिन किसी को धोखा नहीं दिया। मैंने अपने दिल की बात इस लेटर में लिखी है। अगर तुमने पढ़ लिया तो मैं समझ लूंगा तुमने मुझे माफ किया, और अगर बिना पढ़े फेंक दिया तो आगे कभी मैं तुम्हें अपना चेहरा भी नहीं दिखाऊंगा। इंस्पेक्टर मनी को बोलो कि मुझसे मिले। सर, हाँ, जमील नाम का एक ह्यूमन वेपन यहां पर आया हुआ है, उसका एनकाउंटर करना है, ऐसा ऊपर से ऑर्डर है। सर, स्टेशन पर इसे भेज दो। ओके सर। ह्यूमन वेपन मतलब? ह्यूमन वेपन मतलब एक ऐसा आदमी जो अपने लिए और पैसों के लिए खून नहीं करता। बड़े बड़े लोग जिसे ड्रग्स देकर मेंटली ट्रैप कर लेते हैं और उसे अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। इनके पास बेसिक सेंस भी नहीं होता। दे हैव नो सेंटिमेंट्स, दे हैव नो इमोशंस। इनके सामने बच्चा हो या फिर बड़ा,
अपने टारगेट को खत्म करने के लिए कुछ भी करते हैं ये। बहुत सारे ऐसे क्राइम्स होते हैं जिनका कभी कोई सुराग नहीं मिलता, वो इनके द्वारा ही किए जाते हैं। दे आर वेरी डेंजरस। वैसे ये जल्दी नजर नहीं आते, मगर इस जमील को पड़ोसी राज्य की पुलिस ने घूमते हुए देखा है। सर, वहां से आने वाले सभी छोटे बड़े क्रिमिनल्स को मंदिर मूर्ति और उसका साला मिनिस्टर दोरा ही सबको आसरा देता है। इसके विषय में हम मुन्ना से पूछेंगे तो वही हमें बताएगा। उससे पूछने से क्या फायदा? सर, मुन्ना अभी मंत्रा के साथ नहीं है, वो बाहर है। तो अभी बताएगा क्या? हो सकता है सर, पूछना पड़ेगा। या सर, जुदा करके आप हमारे साथ गेम खेलना चाहते हो? ये तो सच है कि मंत्रा और मैं जुदा हो चुके हैं, लेकिन दुश्मन नहीं है। आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं होगा। मंत्रा को मार देना तो दूर की बात है, आप उसे छू भी नहीं सकते। मैं तुम्हारे कहने पर नहीं आया, बल्कि उसके पीछे कुछ वजह है। सुना क्या कहा उसने? जुदा है मगर दुश्मन नहीं है। अब देखना तुम इनकी दोस्ती दुश्मनी में कैसे बदलती है। क्या सर, जुदा करके आप हमारे साथ गेम खेलना चाहते हो? ये तो सच है कि मंत्रा और मैं जुदा हो चुके हैं, लेकिन दुश्मन नहीं है। मंत्रा को मार देना तो दूर की बात है, आप उसे छू भी नहीं सकते। शाम होने से पहले उस जमील को मारना होगा। कैसे सर? डिपार्टमेंट में ईमानदारी से काम करने वाले 10 ऑफिसर्स को यहां पे बुलाओ और उनके साथ मेरी मीटिंग अरेंज करो। जमील नाम के ह्यूमन वेपन के बारे में आप लोगों को पता ही होगा। ही इज अ नोटोरियस क्रिमिनल और इस समय हमारी सीमा में है। आज रात को कैसे भी करके हमें उसे उठाना होगा। हमारे पास यही एक रास्ता है। अगर मैं सही सोच रहा हूं तो आज रात वो बाहर आएगा। इस ऑपरेशन में हमारे साथ और भी 100 लोग काम करेंगे। वो हमारे साथ काम तो करेंगे, लेकिन हमारे प्लान के बारे में, टारगेट के बारे में उन्हें कुछ पता नहीं होगा। हमारे जितने भी ऑफिसर्स होंगे अलग अलग जगहों पे तैनात होंगे, लेकिन उन सबको एक ही इंस्ट्रक्शन फॉलो करना होगा। और उस वक्त मैं कंट्रोल रूम में बैठ करके सबको एक साथ इंस्ट्रक्ट करूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि कोई भी भूल नहीं होनी चाहिए। आगे क्या करना है मैं आप लोगों को रात तक बताऊंगा। मोस्ट कॉन्फिडेंशियल। मंत्रा मूर्ति के घर के बाहर हमारी पुलिस को पहरा देने के लिए कहो। रेडी सर। उसके घर के चारों ओर 1 किलोमीटर तक सिर्फ हमारे ही लोग होने चाहिए। ओके सर। नाउ लिसन, एवरीबॉडी शुड बी अलर्ट। होल टीम अलर्ट सर। पहले सत्या का नंबर ब्लॉक करो। अब मैं मंत्रा मूर्ति को कॉल करता हूँ। क्यों मंत्रा, समील को छुपा लेगा तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा क्या? मैं जो बात कह रहा हूँ सुन, अगर तू मुझे रोक सकता है तो रोक ले। अब वही होगा जो मैं चाहूंगा। क्या बात है जीजा, क्या हुआ? कंट्रोल रूम, मंत्रा का कॉल रिकॉर्ड किया ना? यस सर। मैंने खुद उस मुन्ना को डीसी के साथ देखा था, पर आपको बताया तो आप मान ही नहीं रहे थे। अब देखा ना, यकीन हुआ? अगर मैं सही सोच रहा हूँ तो इस वक्त मंत्रा सत्या को फोन करेगा। क्या हुआ जीजा? कह रहा है नंबर नॉट इन यूज। तो अब कोम्बन को वहाँ से हटाना होगा। अब मंत्रा अगला कॉल कोम्बन को करेगा, ठीक है? मंत्रा पागल नहीं है जो अपने नंबर से फोन करेगा। तो अब क्या करें सर? जरा अपना फोन देना। उस एरिया के सारे सिग्नल्स को पूरी तरह से जैम कर दो। सिग्नल ही नहीं मिल रहा। इसमें भी नेटवर्क नहीं है? इसमें भी नेटवर्क नहीं है। ए, तुम लोग अपने फोन चेक करो। इसमें भी सिग्नल नहीं है। इसमें भी नहीं है भाई। रुक जाओ जया, फोन रख दो। ये सब डीसी का काम है, वो हमारे फोन टेप कर रहा है। वो सिर्फ डरा रहा है, उसको ऐसे छोड़ दे क्या? ऐसे कैसे छोड़ दे? उसने कहा है तो वो जरूर करेगा।
समील बाहर आया, वो आएगा, जरूर आएगा। ये भाई, यहाँ से नॉर्थ साइड 5 किलोमीटर की दूरी पर एक पब्लिक फोन बूथ है, वहां पर जाओ। हाँ। और इस नंबर पर कोम्बन को फोन करो और उससे कहो कि वो बस पकड़कर तुरंत पांडिचेरी के लिए निकल ले। ठीक है भाई, जाओ। और सुनो, ख्याल रखना कि कोई तुम्हारा पीछा ना करने पाए। हे जया, पांडिचेरी के दया को कोम्बन के डिटेल्स भेजकर उसे इसी वक्त वहीं रुकने के लिए कहो। जाओ। सर, वो निकल के जा रहा है। किधर जा रहा है? नॉर्थ साइड सर। नॉर्थ साइड की टीम को कहो कि उसे फॉलो करें। लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि उसे पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन वो किसी भी तरह से आंखों से ओझल नहीं होना चाहिए। बहुत ध्यान से पीछा करना है उसका। अगर उसे जरा भी शक हुआ तो हमारा प्लान खत्म हो जाएगा। वो पब्लिक बूथ पर है। तुम पर शक ना हो इसलिए तुम सीधा आगे निकल जाना। जिस पब्लिक बूथ से वो बात कर रहा है उसे तुरंत टैप करो। हाँ सर, टैप कर रहा हूँ। वो एरिया कौन सा है? अंधेरी है सर। पागल सर, उसने पागल बोला। वो जमील का पासवर्ड होगा, टाइप करते रहो। वहाँ जो भी पास में एटीएम होगा वहाँ पर जा, उसमें से पैसे निकाल और पांडिचेरी जा। वहाँ पास में कितने एटीएम्स हैं? 4 एटीएम है सर। हमारे लोगों को सभी एटीएम में पहुँचने के लिए बोलो। जैसे ही तुम्हें किसी आदमी के ऊपर शक हो तुरंत मुझे बताना। आई एम कमिंग। नेताजी एटीएम के पास नोटिफाइड आदमी आ रहा है सर। पागल, हेलो। क्या मंत्रा,
जमील को पौंडीचेरी पहुंचा दिया क्या? अपने टीवी पे देखो। जीजा, कोमर को पुलिस ने मार दिया। चलो चलते हैं। ड्राइवर जी, जरा गाड़ी साइड में लगाना। तो क्या सत्या, ठीक हो ना? हा? तुमने क्या कहा था कि मंत्रा के साथ साथ उसके किसी आदमी का तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते? जमील का बिगाड़ दिया ना मैंने, खत्म कर दिया उसे। अब तुझे भी मारूंगा और तेरे मंत्रा को भी मारूंगा। अरे जीजा, वो देखो मुन्ना। जीजा आपने देखा ना, जो कोम्बन के साथ हुआ अब हमारे साथ होगा। अब आप ही बताइए उस मुन्ना का क्या करना है। ए, ये सब क्या है? ये सब आज मेरे भैया का बर्थडे है, उसी को मैं ग्रैंड तरीके से सेलिब्रेट कर रहा हूँ। मैं कोई बच्चा हूँ क्या जो सेलिब्रेट कर रहा है? सिर्फ बच्चे ही सेलिब्रेट करते हैं क्या? कोई भी किसी भी उम्र में सेलिब्रेट कर सकता है, वही मैं कर रहा हूँ। मुन्ना देख, छोटे बच्चों की तरह क्या कर रहा है ये। ए, क्यों ये सब कर रहा है? बस तुम जाके फटाफट रेडी हो, मैं बर्थडे केक लेके आता हूँ। दुकान का नाम बोल दे, मैं खुद लेके आ जाऊंगा। अपने बर्थडे पे आप केक लेके आओगे? कमाल है। मैं केक लेके आऊंगा, आप सिर्फ केक काटना। जो बोल रहा हूँ वो सुनना, बहुत बारिश हो रही है, क्यों इतनी बारिश में जा रहा है? अब तो ठीक है ना? बाइक की चाबी दीजिए। बाइक चाहिए? अब मैं बाइक अच्छी तरीके से चलाने लग गया हूँ, आप दीजिए ना। अरे डर क्यों रहे हैं, मैं आपसे भी ज्यादा स्ट्रांग हूँ भैया, कुछ नहीं होगा, चाबी दीजिए ना। तुम ही बोलो ना। प्यार से मांग रहा है, दे देना बेटा। अरे मैं दूर नहीं जाऊंगा माँ, यही पास में ही तो है। प्लीज 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 माँ, बोलो ना प्लीज। भैया दे दो ना। जान से भी बढ़कर है
तू मेरे लिए भाई तू रे जिंदगी मैं अपनी तुझ पे वार दूं मैं भाई मेरे गंगा के जैसे तू पावन करूं तुझ पे गुमान जिंदगी में मेरे तू बन के रहता है जान तुझको कितने सारे मैं 3 दिन से देख रहा हूँ तुम बहुत दुखी लग रहे हो। तुम्हारे भाई का जब फोन हुआ था तो मंत्रा मूर्ति के साले जया के लोगों को यहाँ देखा था। तुम्हें देख के दुख हो रहा था इसलिए तुम्हें बता दिया, पर यह बात किसी और को मत बताना भाई। बोलो जान। तुम्हारे हो रहा? आ रहा हूँ डार्लिंग, रास्ते में ही हूँ। अच्छा तो अभी कहाँ हो? और कहाँ होऊंगा, हमेशा वाली जगह पे सुसु कर रहा हूँ। बेशरम कहीं के, तुम नहीं बदलोगे, जल्दी आओ। अरे अरे कौन हो तुम लोग, छोड़ो मुझे। अरे तुम लोग कौन हो, छोड़ो मुझे, ये क्या कर रहे हो? ए, ए, बोलो, कुछ बोलते क्यों नहीं? ए, ए मुन्ना तू है क्या? तूने मुझे क्यों उठाया, पहले खोल मुझे। मेरे भाई को किसने मारा? क्या कहा, तेरे भाई को मार डाला? ए अबे ड्रामा मत कर, बोल। ए मजाक मत कर, मैं तो 2 दिन पहले यहाँ से बाहर गया हुआ था, मेरे गांव में उत्सव होने वाला है, मैं गांव जाने वाला हूँ, मुझे क्यों बांध कर रखा है, खोल मुझे। सच बता। मैंने कब किसी का खून किया? मैं वहाँ नौकरी करता हूँ, मुझे क्यों मार रहा है तू? मुझे कुछ पता नहीं है। मेरे भाई की मौत से मैं पागल हो चुका हूँ, अगर तूने सच नहीं बोला ना तो मैं तुझे मार डालूंगा। बोल किसने मारा मेरे भाई को, बोल। बताता हूँ, जया ने तेरे भाई को मारा है, क्यों मारा मुझे पता नहीं। मुझे गांव जाना है, मेरी बीवी इंतजार कर रही है। ए मुन्ना मुझे खोल कर जा। ए मुन्ना। हे कौन है वो? जया। हे अब कहां जा रहे हो? जाके जया को मैं मार डालूंगा। कहां मारोगे? मंत्रा के घर जाके मारूंगा। मंत्रा के घर जाके जया को कैसे मारोगे? फिर मंत्रा तुम्हें छोड़ेगा क्या? तो जया को मैं छोड़ दूं क्या? कैसी बात कर रहे हो, ऐसे कैसे छोड़ देंगे? अरविंद के कातिल को मैं अपने हाथों से मारूंगा। तुम में से कोई भी इस चक्कर में नहीं पड़ेगा, अगर कुछ हो गया ना तो बहुत बुरे फंसोगे। ये क्या भाई, फ्रेंड सिर्फ दारू पीने के लिए होते हैं, लड़कियां घुमाने के लिए होते हैं। तेरे छोटे भाई की जान लेने वाले को हम नहीं छोड़ेंगे, ढूंढ कर मार डालेंगे उसे। हम लोग तेरे साथ हैं, हम चारों मिलकर उसे ढूंढ निकालेंगे। किसने किया, कैसे किया, एक क्लू तक किसी को नहीं मिलेगा। बता मुन्ना जया कहाँ मिलेगा? ए, मुझे खोल दे रे, मुझे गांव जाना है। ए, परसों पूर्णिमा की रात है। हाँ भाई, वो पहाड़ वाला मंदिर है ना, मैं वहां पर जाऊंगा, जया वहां पर आएगा। लेकिन उसके साथ मंत्रा भी होगा। मंत्रा तो पहाड़ पर होगा, पर नीचे वाला जो मंदिर है ना वहां पर जया जरूर आएगा। एकदम करेक्ट प्लान करेंगे जिससे जया मर जाए।
आपने तो बोला था ये आपका साथ देगा, अब देखा ना, हाँ? अब भी उसका पक्ष लोगे? बोलिए क्या बोलते हैं, हाँ? लेंगे उसका पक्ष? खत्म कर दो उसे, जाओ। मंत्रा के पास जा रहा हूँ। ये क्या कह रहे हो? उसके पास क्यों जा रहे हो? मंत्रा दुश्मनी करने वालों को बिल्कुल नहीं छोड़ता, लेकिन हम लोगों ने उसकी बेटी को ही उठा लिया, इसलिए वो हमें छोड़ेगा नहीं। मैं जा रहा हूँ उसके पास। ऐसा वैसा कुछ मत कर, जल्दबाजी में लिए फैसले गलत होते हैं, हम कुछ सोचेंगे। तुम अपनों को साथ लेके दूर चले जाओ, उसके बारे में फिर सोच लेंगे। अब तक तो मंत्रा के आदमी हमें हर जगह ढूंढ रहे होंगे, उनसे बच के कहां जाएंगे हम? तू चिंता मत कर, सोचने से सब रास्ता निकलता है। सुन मुन्ना, सुबह मेरा भाई गाड़ी में माल भरकर चित्तूर जा रहा है, तू यहाँ रहेगा तो मुश्किल में फंसेगा, तू उसी गाड़ी में बैठकर चित्तूर चला जा। कुछ दिन बीतने के बाद मंत्रा का गुस्सा शांत हो जाएगा, उसके बाद हम सोचते हैं कि क्या करना है। ए, पहले तू माँ को लाके देविका के घर पे छोड़ दे, रात को ठीक 2 बजे तू उसको बस स्टॉप पे लेके आ जा, मैं वहां पर कैसे भी पहुंच जाऊंगा। ठीक है भाई, तुम लोग संभाल के जाना। हाँ मुन्ना, अपना ख्याल रखना यार, संभल के जाना। क्यों यार? तुझे कुछ हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे? क्या हुआ, यहाँ क्यों रुका है? मुन्ना कहाँ है? मुन्ना यहीं पर आएगा।
निकल देना पाए देना पाए जाने मत देना कहाँ जाएगा अरे बहुत जा रहा है पकड़ो उसे अब रुक आप भागेगा रुक जा मुन्ना अच्छा सुन पहले माँ को जितनी जल्दी हो सके वहां से लेके जा मंत्रा को बात पता चल गई है तू पहले वहां से निकल हेलो हेलो ए भाई क्या हुआ हाथ छोड़ो मेरा माँ क्या हुआ मुन्ना मेरी माँ के पास जाके तू अपनी मर्दानगी क्या दिखा रहा है तू तो मर्द है ना तो भागता क्यों फिर रहा है चल बोल तू जहाँ आने को बोलेगा मैं आऊंगा तू ही बता मैं ठीक एक घंटे के अंदर एयरपोर्ट पहुंच जाऊंगा मेरी माँ को छोड़ दे आ जाना एयरपोर्ट अभी तो तेरी माँ को छोड़ रहा हूँ अगर सुबह तक नहीं आया ना तो फिर खैर नहीं है तेरी फोन पकड़ तो चाहने में तो जीजा ए, छोड़ दे औरत पे क्या मर्दानगी दिखाना मेरे बेटे ने क्या गलती की है मुझे नहीं पता वो भी नादान है उसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ उसे कहूंगी कि आज के बाद आपको परेशान ना करे मेरे बेटे को माफ कर दीजिए मैं माफी चाहता हूँ आपका बेटा ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगा चलो रे सर ओटी बस स्टॉप पर दो मर्डर हो गए हैं सर लोकल इंस्पेक्टर सुधीर को स्पॉट पर जाने के लिए बोलो ओके सर सर 6 साल की बच्ची के साथ रेप करके इसने मार डाला है सर बच्चे थी वो तुमने उसे भी कब लेकर आए इसे 1 घंटा हो गया सर 4 बजे खत्म कर दो इसे इसकी मौत ही उसका बदला है वरना ऐसे लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता आदमी के रूप में जानवर हैं ये इनका यही अंजाम होना चाहिए सर छोड़ दीजिए सर अभी तक 4 प्राइवेट केस पड़े हैं और उसके अलावा ह्यूमन राइट्स वाले पीछे पड़े हैं इतनी टेंशन क्यों ले रहे हैं सर आप अभी यही किसी राजधानी में हो जाए तो पूरा देश चिल्लाने लगेगा और छोटी जगहों पे हो जाए तो कुछ भी नहीं क्राइम क्राइम होता है चाहे वो बड़ी जगह पे होता हो चाहे छोटी जगह पे होता हो आपकी नजर में फर्क होगा लेकिन मेरी नजर में कोई फर्क नहीं है मार दो इसे जो होगा देख लूंगा हेलो सर ओटी बस स्टॉप में जो मर्डर हुए हैं वो मुन्ना ने किया है उसके नाम की बुलेट मेरे पास है साहब, साहब, मेरे बेटे को बचा लीजिए साहब भगवान के लिए उसे बचा लीजिए
मुन्ना की माँ है सर। मेरे बेटे को एयरपोर्ट के पास उस मंत्री और उसके आदमियों ने मार डाला साहब, उसे बचा लीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। किसी को मत छोड़ना, काट के रख देना। मेरे जीने के सारे सपने टूट चुके हैं और तुम भी। कितनी बार मैंने आंखें बंद की लेकिन अब मुझे वो सपने नहीं दिखे। मुझे माफ कर दो देविका। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मुझे तुम्हारे साथ 100 साल तक जीना है। भाई एक मिनट मेरी बात तो सुन लो भाई। ए, रुक जाना। छोड़ो मुझे। भाई बोला था तुझे। एक मिनट मेरी बात तो सुनो। भाई मेरी एक मिनट बात तो सुनो भाई। नहीं जो भी हो आप मेरे बड़े भाई हो। फिर क्यों किया तूने ऐसा? मैं आपको नहीं मारने आया था। फिर किसे? इस जया को मारने आया था।
पूर्णिमा को मंदिर चलना है, पुजारी जी ने बुलाया है, आप चल रहे हैं ना? चलो। यहाँ कुछ लोग लड़ाई कर रहे हैं, आप लोग हमारे साथ चलिए, आइए। इसको ऐसे देख जा रहे हैं जीजा। क्या जीजा, ये कमीना मुझे मार रहा है और आप खड़े होकर देख रहे हैं? मैं तुझे भी जानता हूं और इसे भी जानता हूं। मेरे भाई को क्यों मारा? मैंने तेरे भाई को नहीं मारा। छोटे बच्चे के सामने करके मुझसे बात कर रहा है? तूने मुझ पे हाथ उठाया? जीजा के सामने मुझ पे हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई? जीजा जब भी तुझे भाई कहता था ना तो मेरा कलेजा जल उठता था। सही मौका देख के शिकार करने वाला शेर हूं मैं। अब तू देख क्या करता हूं तेरा। जीजा ने मुझसे ज्यादा तुझे अहमियत दी और भाई भाई बोल के मेरे सर पे बैठा दिया था, और अब अपने मुंह से ही उन्होंने खुद तुझे मारने के लिए बोल दिया है। उनके एहसानों का तूने जो बदला चुकाया है ना, अपना भाई होता तो क्या ऐसा ही करता तू? सच्चाई कड़वी लग रही है तुझे? बोलो मधु। सुबह माधवपुर के स्टेशन पर देखा था इसलिए कॉल किया। भाई सत्या भाई का खून किया है अभी पता चला है। मधु कौन सा एरिया बताया तूने? माधवपुर। ए तू जीजू को कुछ मत बताना, मैं सब संभाल लूंगा। तेरे भाई को मधु के लोगों ने मार डाला था, लेकिन चाय वाले को मैंने झूठ बोला कि तेरे भाई को मैंने ही मारा है। तूने पत्थर फेंकवा के मुझे मारने की कोशिश की थी ना, तेरा वो प्लान मुझे पहले से ही पता था, लेकिन सच ये है कि तेरे भाई को मैंने नहीं मरवाया। बताऊं तेरे भाई को किसने मरवाया है? तू जानना चाहता है क्या घूर क्या रहा है? तेरे भाई को मारने का प्लान मैंने बनाया था, लेकिन तेरा एक दुश्मन और है जिसने मुझसे पहले ही तेरे भाई को मार डाला। तू जानना चाहता है कौन है वो? दिखाता हूँ, ये देख अपने दुश्मन को। ये है तेरे भाई का कातिल, ले संभाल इसे। तुझे अपने भाई का बदला लेना था ना, ले ले पकड़ इसे मार। तूने मारा? क्यों मारा तूने? अब क्या पूछ रहे हो? उस समय क्या हुआ था पता है तुझे? जब तूने मेरे भाई को मारा था वो कोमा में चला गया, उसे हॉस्पिटल में एडमिट करके जैसे ही मंदिर आया तब पता चला कि जिन लोगों को मार के तुम चले गए थे उनके लिए कोई भी गवाही देने के लिए तैयार नहीं था। उसके बाद 3 दिन में ही मेरा भाई मर गया। मेरे भाई के मारने वालों को मार डालना था, पर तुम लोगों से लड़ने के लिए मेरे पास हिम्मत नहीं थी, इसीलिए मैंने गांव के सारे खेत बेचकर गुंडों को बुलाकर तुझे मार डालने के लिए सोचा था, पर तेरी जगह तेरा भाई मारा गया। वैसे क्या गलती की थी मेरे भाई ने? क्यों उसे मार डाला? इतने बुरे इंसान को मारना गलत है क्या? गलत है क्या? बोलना गलत है क्या? गलत नहीं है, तूने जो किया वो गलत नहीं है। जितने भी मर गए हैं और जिन्होंने अपनों को खोया है उनको भी कैसा लगता है, कितनी तकलीफ होती है ये मैं जानता हूँ। तेरी कोई गलती नहीं है, क्योंकि मैंने भी वो दुख
अपने दिल से झेला है। जब साथ होते हैं तो उनके प्यार का एहसास हमें पता नहीं चलता। मैंने जो गलती की उसके लिए मैं माफी नहीं मांगूंगा। मेरी जान लेने का हक बस तुझे है और किसी को नहीं। मार डाल मुझे, मार डाल, मार डाल मुझे, मार डाल, मार डाल। मार डालो। तो जा मुन्ना, जा। मारो से। मुन्ना छोड़ना मत इसे। मुन्ना जान से मारो। मुन्ना ए क्या कर रहा है, छोड़ दो उसे। मेरे जीजा होके उसकी परवाह ज्यादा है। इस दुनिया में जी के क्या करोगे। जा मार। छोड़ना मत उसे। अब तुझे पता चलेगा कि मैं क्या हूँ। मार डाल उसे, मार। देखो जीजा, तुम्हारा चहेता मर रहा है, उसे मरता हुआ देख के तुम भी मर जाओ। For you. Mara. Mara. मुझे अरेस्ट कर लो सर। जाओ तुम। जाओ। ये क्या सर? आदमी के रूप में हजारों जानवर हैं, उनका हमने आखिर क्या किया? यह तो अब बदल चुका है। सुबह का भोला शाम को लौट आए तो उसे भोला नहीं कहते हैं।